ताइवान आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य रॉक पूर्वी एशिया का एक खूबसूरत देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 35,980 वर्ग किमी है। ताइवान की राजधानी तैपे है और इस देश का सबसे बड़ा शहर न्यू तैपे है। द रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंतर्गत आने के बावजूद ताइवान चीन को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देता और एक अलग देश ताइवान फैक्ट्स इन हिंदी की तरह ही अपनी सरकार चलाता है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है। मैंडरिन और हैक ताइवान की राष्ट्रीय भाषाएं हैं। ताइवान की जीवन शैली बेहद शांत व निर्मल स्वभाव की है। इस देश में बड़ों का आदर व गरीबों की सहायता संबंधित ज्ञान को जीवन में तवज्जो दी जाती है। एक ताइवान एक छोटा सा द्वीप देश है जिसमें लगभग 23 मिलियन लोग रहते हैं। दो इस द्वीप के आकार का अंदाजा मात्र इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पूरे द्वीप के चारों ओर व्हीकल ड्राइव करने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। तीन ताइवान की कुल जनसंख्या के लगभग 80% लोग मूल निवासी है व 15% लोग चीन से यहां आकर बस गए और 5% अन्य देशों से आए लोगों का है। चार ताइवान में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं व इन लोगों को प्रकृति से बेहद लगाव होता है। पाँच ताइवान में लगभग 90% लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हैं व 10% लोग अन्य धर्मों से आते हैं। छह ताइवान में दुनिया की चीनी कला का सबसे बड़ा संग्रह है। सात 1590 में पुर्तगालियों द्वारा ताइवान की खोज करने से पहले इस द्वीप को समुद्र के पार एक मुद्दबॉल के रूप में संदर्भित किया गया था। आठ ताइवान रिंग्स ऑफ फायर में स्थित है जो इस छोटे द्वीप को दुनिया के सबसे अधिक भूकंप गतिविधियों वाले स्थानों में से एक बनाता है। नौ ताइवान में हर साल 1,000 से अधिक छोटे बड़े भूकंप आते हैं। 10 ताइवान के लोग साफ सफाई से प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। ये लोग अपने घरों के कचरों को तब तक अपने घरों में ही रखते हैं जब तक कचरा उठाने वाली गाड़ी इनके घरों से कचरा लेकर नहीं चली जाती। 11 ताइनान ताइवान का सबसे पुराना शहर है जिसे सन 1590 में बसाया गया था। 12 ताइवान के लोगों को संगीत बेहद पसंद है। ये लोग संगीत वाद्य यंत्र बजाने से लेकर सुरले गीत गाने संबंधित गतिविधियों में शामिल रहते हैं। 13 ताइवान को एशिया फेस मास्क कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि ताइवान के लोग अक्सर फेस मास्क पहने रहते हैं। ये लोग बीमारी व प्रदूषण से बचने के लिए ऐसा करते हैं। 14 ताइवान में 4 नंबर को अमेरिका में नंबर 13 की तरह अशुभ माना जाता है व इस देश में आपको अस्पताल और होटल जैसी इमारतों में चौथी मंजिल नहीं मिलेगी। 15 ताइवान की अर्थव्यवस्था छोटे बड़े उद्यमों पर टिकी हुई है और जिसमें सरकारी अधिकारी किसान छोटे व्यवसाय के मालिक और कारीगर शामिल हैं। 16 ताइवान की लड़कियों को गोरी त्वचा बेहद पसंद होती है। यही कारण है कि इस देश में आपको लगभग सभी महिलाएं धूप से बचने के लिए मास्क का उपयोग करती दिख जाएगी। 17 ताइवान की संस्कृति में शिक्षा के संदर्भ में कड़ी मेहनत पर अधिक बल दिया जाता है व इसी कारण इस देश के बच्चे गणित में विश्व में सबसे आगे रहते हैं। इस देश के बच्चे इतना अध्ययन करते हैं कि उनके पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गणित स्कोर रहता है। 18 ताइवान के नागरिकों को अपने काम से बेहद लगाव होता है व ये लोग प्रति सप्ताह कम से कम 70 घंटे अपनी नौकरी या बिजनेस को देते हैं। 19 इस देश में आपको कचरे के डिब्बे सड़कों पर नहीं मिलेंगे बल्कि इन्हें घर या दुकान के अंदर रखा जाता है। 20 ताइवान विश्व के सबसे अधिक वायु प्रदूषण वाले इलाकों में से एक है। 21 ताइवान में चमगादड़ों की संख्या बेहद अधिक है। इस देश में ये जीव आपको सामान्य पाकों से लेकर आपके चारों ओर उड़ते मिल जाएंगे। 22 ताइवान की संस्कृति के अनुसार बड़ों के लिए विनम्रता आदर और सम्मान का भाव इस देश की संस्कृति का मुख्य हिस्सा है। इस देश में घर के बड़ों के साथ तेज आवाज में बात नहीं की जा सकती। 23 ताइवान वासी अपने घर आने वाले मेहमानों के साथ बेहद उच्च कोटि का बर्ताव करते हैं। ये लोग अपने मेहमान की इच्छा अनुसार अव्वल दर्जे के पकवान अपने मेहमानों के लिए बनाते हैं। 24 18वीं शताब्दी में स्पैनिश लोगों ने इस इलाके पर बसने की योजना बनाई थी लेकिन वे इस योजना में सफल नहीं हो सके। 25
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ताइवान में महान आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण हुआ, जिस कारण इस देश की अर्थव्यवस्था में बेहद अधिक मजबूती आई व इस देश के लोगों का आर्थिक विकास हुआ। 26. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह देश एक लोकतांत्रिक सरकार व संविधान की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन कुछ अंदरूनी ताकतों के कारण इसमें सफल न हो सका। 27. क्या आप जानते हैं ताइवान का पहला राष्ट्रपति चुनाव 1996 में हुआ था? 28. ताइवान के बच्चों को आमतौर पर कम उम्र में ही गणित और संगीत वाद्य यंत्र सीखने के लिए माता पिता द्वारा प्रेरित किया जाता है। 29. ताइवान हर साल अगस्त में ताइवान के चंद्र कैलेंडर का 7वां महीना हंगरी गोस्ट फेस्टिवल मनाता है। इस त्योहार से जुड़ी परंपरा के अनुसार इस दिन नरक के द्वार खुलते हैं, वो विनाशकारी भूत प्रेतों की शक्तियों से बचने के लिए ताइवानवासी इस दिन पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस महीने में शादी करने, व्यवसाय शुरू करने या पूरे महीने के दौरान यात्रा करना अशुभ माना जाता है। 30. ताइवान में गर्मियों के दौरान मौसम बेहद सुहावना हो जाता है व गर्मियों में लगभग हर दोपहर बारिश होती है। 31. क्या आप जानते हैं ताइवान 2009 में प्रकृति का बेहद रौद्र रूप देख चुका है? आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2009 में ताइवान में सबसे घातक आंधी टाइफून मोगेट तूफान आया था, जिसने इस द्वीप के कई इलाकों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तूफान ने 673 लोगों की जान ले ली थी और 26 लोग लापता हो गए थे। 32. इस तूफान के कारण ताइवान में लगभग $33 बिलियन का नुकसान हुआ था। 33. ताइवान का झंडा 3 रंगों से बना है, जिसे रिपब्लिक ऑफ चीन का झंडा भी कहा जाता है, क्योंकि ताइवान देश रिपब्लिक ऑफ चीन का ही हिस्सा है। ताइवान के झंडे में लाल, नीला व सफेद रंग का सूरज बना हुआ है। झंडे में सूरज की 12 किरणें घड़ी के 12 चीनी समय और वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 34. ताइवान के झंडे का लाल रंग क्रांतिकारियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है व इस झंडे को 1928 में आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई थी। 36. ताइवान के झंडे का डिजाइन सन यात सेन और लू हाउतुंग ने किया था। 37. आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में चीन ताइवान की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं देता है, जिस कारण ताइवान में नेशनल खेल कार्यक्रमों के दौरान ताइवान के झंडे का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। 38. हालांकि ताइवान एक स्वतंत्र देश के रूप में काम करता है, लेकिन कई देश, यूनाइटेड स्टेट, आधिकारिक तौर पर इसे एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को चीन का एक अलग प्रांत मानता है, और जो देश चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें ताइवान के साथ अपने औपचारिक संबंधों को चीन के अनुसार ही बदलना पड़ता है। 39. चीन ताइवान को अपना पाखंडी प्रांत मानता है, इसी कारणवश चीन ने 1971 में ताइवान को संयुक्त राष्ट्र से बाहर कर दिया था। 40. द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार ताइवान दुनिया के 156 देशों में 35वां सबसे खुशहाल देश है। यह हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन की तुलना में अधिक खुशहाल देश माना जाता है। 41. ताइवान की प्रगति में पुरुषों की तरह महिलाओं का भी अधिक योगदान रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ताइवान की महिलाएं श्रम शक्ति का 50.46% और विधायिका का 33% योगदान देती है। 42. अलुआनबी लाइट हाउस ताइवान में सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों स्थलों में से एक है, जिसका निर्माण 1882 में किया गया था। 43. ताइवान का कोई सीमावर्ती देश नहीं है और यह मुख्य भूमि चीन के तट से समुद्र के बीच में बसा हुआ एक द्वीप इलाका है।